हे गाइस, आई एम फहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल जोन एकेडमी। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, टीसी, इस सब के रिलेटेड आपको डेली वीडियोस मिलेंगी और पीडीएफ भी आप डाउनलोड फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों डेली करंट अफेयर वीडियो सीरीज़। जीएस क्वेश्चंस वीडियोस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी क्लासेस और आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ अवेलेबल होगी। तो चलिए दोस्तों, पहली सीरीज स्टार्ट करते हैं, डेली करंट अफेयर वीडियो सीरीज। जो सोर्सेज हैं आपके, द हिंदू काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, पीआईबी गवर्नमेंट मैगजीन है, ऑल इंडिया रेडियो और अदर। और आज की डेट है 25 जून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जितने भी, जैसे बताया मैंने, सभी गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल है। यूपीएससी, पीसीएस, ईपीएफओ जो फिलहाल में अभी होने वाला है, एनडीएस, सीडीएस एंड रेलवे। चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, काफ़ी न्यूज़ में, सीयू ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है? ये अभी फिलहाल में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अभी अप्रूव किया है। कितना? 121 मिलियन बाय द ONGC विदेश लिमिटेड। जो OVL है, OVL आपकी क्या, ONGC की इंटरनेशनल आर्म है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए दिया है, ये फर्दर डेवलपमेंट के लिए दिया है। इसका मतलब पहले ये एक्सप्लोरेशन चल रहा है। तो ये स्टार्ट हुआ था 2002 में बाय द ONGC। तो देखिए, ये वे ऑफ बंगाल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कहाँ पर इस्टेब्लिश है पाइपलाइन, यहाँ से प्रपोज्ड पाइपलाइन है, वे ऑफ बंगाल में है। और ब्लॉक क्या है? ब्लॉक A1 एंड ब्लॉक A2 है। और ये कंसोर्टियम, ये थ्री कंट्रीज़ का कंसोर्टियम कंपनीज है, जैसे साउथ कोरिया है, इंडिया है, म्यांमार है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कौन कौन सी कंट्री है। साउथ कोरिया है इस पाइपलाइन से कनेक्टेड, इंडिया एंड म्यांमार। और जो फर्स्ट गैस स्टार्ट हुआ था, ये 2013 से स्टार्ट हुआ था। तो देखिए, म्यांमार स्टेट है, यहाँ पर रिखाने ऑफशोर है यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में था पहले। तो यहाँ इस साइड में ये पाइपलाइन है। चलिए अगला है कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट अभी फ़िलहाल में यूनियन कैबिनेट कमेटी ने अभी प्रपोज्ड किया है कि इसको डिक्लेयर कर दिया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो अभी कुशीनगर एयरपोर्ट को क्या प्रपोज्ड किया है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रपोज किया है। और कुशीनगर काफ़ी बुद्धिस्ट साइट है, इम्पोर्टेंट साइट है, और यहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने महापरिनिर्वाण किया था, ये इनकी स्टेचू है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है कनेक्टिविटी के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज आते हैं, थाईलैंड से, कंबोडिया से, जापान से, बर्मा से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल हो सकता है। अगला आया शिशु लोन। शिशु लोन क्या है? शिशु लोन अकाउंट अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना टू एलिजिबल द बोरोवर। तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, उसके अंडर में आता है शिशु लोन योजना, शिशु लोन। और अभी फिलहाल में 2% इसमें छूट दी गई है, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया फॉर द 12 मंथ्स। और ये शिशु लोन कहाँ किसको जाता है? जो हमारी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं, अगर 50,000 के अंडर में आती हैं, तो उसको कहा जाता है शिशु लोन। और दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इसके थ्रू क्या है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। काफ़ी न्यूज़ में विक्ट्री डे परेड, ये कहाँ पर हो रही है? ये हो रही है रेड स्क्वायर मॉस्को में हो रही है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रसिया में स्टार्ट हुई थी 24 जून को। और पार्टिसिपेट किसने किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्म फोर्स, इसने क्या इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसने ये हमारे लिए काफ़ी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकती है, क्योंकि इंडिया में इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। रसिया इज सेलिब्रेटिंग 75 एनिवर्सरी मना रही है, और किसकी? सोवियत यूनियन की। ग्रेट पेट्रियोटिक बार हुआ था 1941-45 में, तो इसकी क्या सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पर, 75th सेलिब्रेशन चल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटिश इंडियन आर्म फोर्स, जो ब्रिटिश टाइम में, जो इंडिया ब्रिटिश टाइम में थी, तो वहाँ पर जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था उस टाइम, तो यहाँ पर उस टाइम भी यहाँ पर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। और उस टाइम पर USSR ने अवॉर्ड भी दिया था, रेड स्टार अवार्ड दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूबेदार नारायण राव और हवलदार गजेंद्र सिंह को, जो USR ने इसके लिए एक रेड स्टार अवार्ड भी दिया था, ठीक है, फॉर द रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोप के लिए। तो
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना ये कहाँ पर चल रही है, मॉस्को में चल रही है और इंडियन आर्म फोर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। अगला है कि अदर वैगबर्ट क्लास में एक सब कैटेगराइजेशन की, ठीक है, इसके लिए कमेटी बिठाई गई है कि इसमें सब कैटेगराइजेशन किया जाए और कैबिनेट ने इसको क्या कर दिया है, इसका जो टेन्यूर है एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। तो ये कमीशन किसके अंडर में कंस्टिट्यूट किया जाता है, आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये अप्रूव कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2017 में अप्रूव किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस कमीशन को जो हेड किया है ये श्रीमती जी रोहिणी ने, ये देखिए ये इसके इनकी पिक्चर है, इन्होंने क्या किया है, इसको हेड किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, काफ़ी यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम है उसमें कमीशन पूछा जाता है और इस कमीशन का कौन सा हेड है, ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन होता है। तो जो हमारी सब कैटेगराइजेशन है विद द अदर बैकवर्ड क्लास में, इसको जो हेड किया है इन्होंने किया है श्रीमती जी रोहिणी ने, ठीक है, रिटायर्ड हैं। अभी फिलहाल में क्या है, COVID-19 का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है, तो क्या है अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे टास्क, तो इसने क्या किया है, इन्होंने फिर एक्सटेंड कर दिया है जो पीरियड है 6 मंथ का, 31/1/2021, क्लियर। तो एक चीज़ ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो अदर वैगबर्ट क्लास है उसका सब कैटेगराइजेशन के लिए कौन सी कमेटी बिठाई गई है, तो क्या नाम है उनका, आर जी रोहिणी, ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। चलिए अगला देखिए, अगला एक रिपोर्ट है टीबी रिपोर्ट 2020, ये हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिलीज की है, डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक एनुअल रिपोर्ट पेश की है टीबी रिपोर्ट 2020। तो इसकी की फीचर क्या है, इसमें अभी जो देखा गया है जो 2019 में नोटिफाई किए गए हैं टीबी के पेशेंट, वो किए गए हैं 24 लाख पेशेंट नोटिफाई किए गए हैं, और जो अमाउंट है ये 14% बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है एज़ कम्पेयर टू द 2018, जो 2018 में पेशेंट थे उसका कितना इंक्रीज़ हुआ है, 40% 2019 में एक साल में इंक्रीज हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन दिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये निक्षय सिस्टम, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, निक्षय सिस्टम के द्वारा दिया गया है। आइए देखते हैं निक्षय सिस्टम है क्या, निक्षय सिस्टम मीन्स क्या है, नीमिस ईंट और सेमिस टीबी, ठीक है, ये वेव इनेबल्ड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर द टीबी कंट्रोल, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि निक्षय किसके लिए होता है, ये किसके लिए, ये वेव इनेबल है और ये पेशेंट मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम टीबी कंट्रोल के लिए है, और ठीक है, और किसके अंडर में आता है, ये नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंडर में आता है, क्लियर। तो ध्यान रखना जो टीबी रिपोर्ट दी गई है, ठीक है, वो ये किससे निकला है, निक्षय सिस्टम से दिया गया है। अगला है कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द मिसिंग केसेस, जो पहले मिसिंग केसेस 2017 में 10 लाख थे, इस बार बहुत कम हो गए, 2.9 लाख केसेस पाए गए हैं। दूसरा जो HIV टेस्टिंग देखी गई है वो कितनी इंक्रीज हो गई है, 67% इंक्रीज हो गई है इन 2018 एज कम्पेयर टू 2019, ठीक है। तो 81% कितनी टेस्टिंग इंक्रीज कर दी है, पहले 67% थी 2018 में, अब 81% 2019 में कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक तो ये बन सकता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, निक्षय सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में आ जाते हैं कि निक्षय सिस्टम किसके लिए है, तो निक्षय सिस्टम है आपका, यह आपका वेव इनेबल पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, किसके लिए है, टीवी कंट्रोल के लिए, क्लियर। चलिए तो एक मिनट, हाँ अगला है, काफ़ी न्यूज़ में देविका एंड पुनेर्जा ब्रिज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि ब्रिज कहाँ पर है, ठीक है, अभी इनका इनोग्रेशन हुआ, ये दो ब्रिज हैं, एक ब्रिज नहीं है, ठीक है, देविका अलग है और पुनेर्जा अलग है। तो जो आपका देविका ब्रिज है ये पाया जा, ये है आपका उधमपुर में, और जो पुनेर्जा है यह है दोहा डिस्ट्रिक्ट में, और ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि देविका एंड पुनेर्जा ब्रिज कहाँ पर है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, और दोनों अलग अलग ब्रिज हैं, ये ब्रिज आपका कहाँ पर है, ये आपका उधमपुर में है, और जो पुनेर्जा है ये दोहा डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखिए इसके बारे में, जो ये जो देविका ब्रिज है कितने मीटर का पूछा था, ये 10 मीटर का ब्रिज है, ठीक है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में,
और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ट्रैफिक इशू प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने में। दूसरा ब्रिज जो आपका है पुनेजा ब्रिज, ये 50 मीटर लंबा है, ठीक है। और इनको जो कंस्ट्रक्ट किया गया है ये BRO ने किया है, ठीक है, बोर्ड, ये तुम्हारा बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। और जो BRO जो फाउंड किया था ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू ने फाउंड किया था। और जो BRO आता है एग्जाम में कि कब कब फाउंड हुआ था, ये फाउंड हुआ था 7 मई 1960 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे देखो BRO, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं BRO, ठीक है। अगर ये इसमें न्यूज़ में तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ, तो ये इस्टेब्लिश हुआ है 7 मई 1960 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और किसने फाउंड किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने फाउंड किया था, क्लियर। तो इसका नाम क्या, फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये ठीक है। इन्होंने ही क्या किया है, इंटरनेशनल बाउंड्री पे ये ठीक है, तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है, BRO। तो इन्होंने दो 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 देविका और पुनेजा ब्रिज, ठीक है, BRO ने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो ये एक 10 मीटर का है, एक 50 मीटर का, ध्यान रखना है, क्लियर। अगला आया एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये अभी एक फंड क्रिएट किया गया है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। चेयर किसने किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चेयर किया है। और जो इसका वर्थ है ये 15,000 करोड़ का है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें जो जो प्राइवेट कंपनीज हैं या ठीक है या इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है, ये कितने परसेंट कर सकते हैं इन्वेस्ट, 10% इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा। बाकी 90% जो कंट्रीब्यूशन रहेगा इस फंड में वो शेड्यूल बैंक का रहेगा, क्लियर। और इसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी देगा, छूट दी गई है जो इसके बेनिफिशियरी होंगे, क्लियर। तो ये आपका हो गया एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो 15,000 के लिए, 15,000 का बनाया गया है, क्लियर। अगला है हमारा इंडिया एंड चाइना क्लैश, काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी दिन से आप सुन भी रहे होंगे कि ये क्लैश कैसे चल रहा है, स्टैंड ऑफ चल रहा है, ठीक है। पहले क्या, पहले भी हुआ था, पहले चुंबे चुंबे वैली में हुआ था, अब जो काफ़ी न्यूज़ में है, क्या नाम है, गालवान वैली, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में है ये, काफ़ी एग्जाम पूछा जा सकता है। तो गालवान वैली कहाँ पर है, देखिए जो तीन एरिया में डिस्प्यूट चल रहा है, एक तो गालवान वैली हो गया, एक हॉट स्प्रिंग हो गया, और एक फिंगर एरिया, काफ़ी न्यूज़ में है, पूछा जा सकता है फिंगर एरिया कहाँ पर है। तो ये सब किसके पास में है, ये है पेंगोंग सो लेक, ठीक है, देखो पेंगोंग सो लेक, और ये लेक कहाँ पर है, लद्दाख में लेक है, तो इसके पास में ये एरिया है। और ये सब कहाँ पर है, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, देखिए यहाँ पर ये क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल, इस मैप में आप देखिए यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो यहाँ पर है, ये वेस्टर्न सेक्टर है जो 1570 किलोमीटर का है, क्लियर। ये सेंट्रल सेक्टर है 545 किलोमीटर का है, और बाकी आपका हो गया ईस्टर्न सेक्टर ये वाला, ठीक है। ये एक्साई चीन का एरिया हो गया जो चाइना अपना बताता है, क्लियर, ये वाला एरिया, और ये तो आपका अरुणाचल प्रदेश का हो गया, क्लियर। तो ये सेक्टर, ये आपकी LAC वाली लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक या इस वाले मैप में देखिए, यहाँ पर देखिए ये शेंग, ये पेंगोंग शो लेक है, यहाँ पर ये लद्दाख में पाई जाती है, इसके पास में एरिया है, देखिए ये वाली कौन सी, गलवान वैली हो गई, ठीक है, और ये हॉट स्प्रिंग वाला एरिया हो गया, क्लियर। और ये आपका, ये यहाँ पर क्या हो गया, ये फिंगर वाला, यहाँ से यहाँ तक क्यों है इसके, ये काफ़ी पतला एरिया है, ये फिंगर एरिया कहाँ गया है ऐसे। तो ये तीन एरिया याद रखना, गालवान वैली, हॉट स्प्रिंग और फिंगर एरिया। तो यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे अभी चाइना ने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, तो ठीक है, तो ये एरिया याद रखना। और ये यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्शन कहाँ किया था चाइना ने, 1 किलोमीटर इनसाइड द लाइन, जो लाइन है इसके 1 किलोमीटर अंदर थोड़ा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, क्लियर। तो इस तरीके से डिस्प्यूट है, अभी दोनों देखो, देखिए क्या होता है, पुल बैक का कुछ करंट सिचुएशन में चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये कहाँ पर है, गालवान वैली कहाँ पर है, हॉट स्प्रिंग और फिंगर एरिया, क्लियर। तो ये आपको कहाँ पर है, पेंगोंग सो लेक जो लद्दाख में है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में, क्लियर। अगला है काफ़ी न्यूज़ में, ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है कि हम पाकिस्तान किस में डाला गया है, ग्रे लिस्ट में ही है, अभी भी मीटिंग बैठी तो अभी भी FATF ने क्या इनको ग्रे लिस्ट में ही किया है। अब देखिए ग्रे लिस्ट क्या है, ग्रे लिस्ट इसके बारे में पढ़ते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये टास्क फोर्स है, इसने दो लिस्ट दी है, कौन कौन सी, ब्लैक लिस्ट है इसके पास, एक ग्रे लिस्ट है।
तो ब्लैक लिस्ट क्या होती है? ओनली दोज कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट दैट एफटीए कंसीडर एज ए अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवन और टेरर फंडिंग, जहाँ जो टेरर फंडिंग देती हैं, ठीक है, और जो ठीक है उन कंट्री को किस में डाल देते हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल दिए देते हैं, और उसको नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज ऑफ टेरिटरीज भी बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, जो ब्लैक लिस्ट में क्या बोला जाता है, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज ऑफ टेररिज्म, क्लियर। और एक एक इसके एक और देख सकते हैं हम, कंट्रीज दैट आर सपोर्टिंग द टेरर फंडिंग, जो टेरर फंडिंग को सपोर्ट करती है या मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करती है, वो कहाँ पर डाली जाती है, वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहाँ पर डालता है, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, क्लियर। ग्रे लिस्ट क्या है? दोज कंट्रीज विच आर नॉट कंसीडर एज ए सेफ हेवन फॉर द सपोर्टिंग टेरर फंडिंग, जो सेफ हेवन नहीं है टेरर फंडिंग के लिए, मगर आगे, ठीक है, मगर ये क्या है कि नाउ ग्रे लिस्ट इज वार्निंग सिस्टम गिवन टू द कंट्री दैट इज माइट टू कम टू ब्लैक लिस्ट, मगर ये ग्रे लिस्ट में अगर है तो ये एक सिग्नल है कि हाँ अगर कुछ और एक्टिविटी की तो किस में डाला जा सकता है, उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, क्लियर। और ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब उस कंट्री का पूरी इकोनॉमी एकदम ख़त्म है, क्लियर। तो अभी क्या है, अभी फिलहाल में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, अभी ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला है, ये न्यूज़ में है, ठीक है। अगला आया हमारा, हाँ अभी हमने पढ़ा था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता क्या है, क्लियर। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंड इन 1989, तो 1989 में फाउंड हुई थी ये। इट वाज इनिशिएटिव बाय द G7 कंट्रीज, ध्यान रखना ये किसने इनिशिएट किया था, G7 कंट्रीज, और पर्पस फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इनिशिएटिव किया था। और जब ये 1988 में तो बना था, उसके बाद 2008 में इसने एक्सपेंड कर दिया था अपना टर्म, कहाँ कर दिया था, टेररिज्म फंड फाइनेंसिंग। तो हमारे जो मेन पर्पज है इसका अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, तो 2001 से पहले खाली मनी लॉन्ड्रिंग का था, मगर अब अगर दो अब जो है दो 2001 के बाद में ये दोनों के लिए है, किस किस के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग प्लस टेररिज्म फंडिंग, क्लियर। तो ध्यान रखना ये किस किस के लिए है, मनी लॉन्ड्रिंग प्लस टेररिज्म फंडिंग, ठीक है। ये कब से स्टार्ट हुआ था टेररिज्म फंडिंग का कॉन्सेप्ट, 2001 में, क्लियर। और फिर एफएटीएफ ने एक ब्लैक लिस्ट मेंटेन की थी, वो कब से की थी, जिसको बोला जाता था कॉल फॉर एक्शन, क्लियर। ब्लैक लिस्ट को बोला जाता था कॉल फॉर एक्शन, ये स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट 2000 से, ठीक है, एफएटीएफ ने। एक ग्रे लिस्ट को बोला जाता था अदर मॉनिटर ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना जो ब्लैक लिस्ट है इसको बोला जाता था पहले कॉल फॉर एक्शन, और जो ग्रे लिस्ट है उसको बोला जाता था अदर मॉनिटर्ड ज्यूरिडिक्शन। उसका ध्यान रखना हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एग्जाम में आता है कि एफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में पाया जाता है, क्लियर। तो ध्यान रखना कब स्टेब्लिश हुई थी, 1989 में, इनिशिएटिव बाई G7 कंट्रीज, और पहला ऑब्जेक्टिव था इसका खाली मनी लॉन्ड्रिंग का था, मगर सेकंड केस में कहाँ पर हो गया, सेकंड केस में टेररिज्म फाइनेंसिंग का हो गया। तो अब जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका मनी लॉन्ड्रिंग प्लस टेररिज्म फाइनेंसिंग को काउंटर करने के लिए, क्लियर। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस एंड फ्रांस में, क्लियर। अगला एक न्यूज़ में इन स्पेस क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। ये भी न्यूज़ में है, यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है, ठीक है, इन स्पेस को टू प्रोवाइड द लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द प्राइवेट कंपनीज, क्लियर। प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस में वर्क कर सकती हैं, ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए इन स्पेस एक अप्रूव किया है। और दूसरा क्या है, आल्सो हैंड होल्ड और प्रमोट एंड गाइड द प्राइवेट इंडस्ट्री, इसको प्रमोट करेगा इन द फील्ड ऑफ द स्पेस और इंक्रीजिंग द पॉलिसी और फ्रेंडिंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। इसके चेयरमैन फिलहाल में आपको पता होगा इसरो चेयरमैन कौन है, के सिवान है, और ठीक है, एक NSIL वाज इनकॉर्पोरेटेड टू कैरी द फॉरवर्ड। NSIL क्या है, NSIL आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, या आपकी क्या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 6 मार्च 2009 को इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। तो 2019 में इसको बनाया गया है
और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एनएसआईएल का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का है। और क्या इसका रिफॉर्म से क्या एडवांटेज है, हमारी पहले से एक ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये खाली फोकस इसको फोकस करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करेगी, बाकी ये जो है हमारा एनएसआईएल जो इस्टेब्लिश किया गया है ये इसको क्या करेगा, इसका हेल्प करेगा, ठीक है, ये इसरो को हेल्प करेगा, ठीक है। तो काफ़ी इस स्पेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये ठीक है कदम उठाया है। तो क्या है इंडियन नेशनल, ध्यान रखना इन स्पेस, इन स्पेस के फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइज्ड सेंटर, क्लियर। चलिए अगला है इसरो क्या है, ठीक है, इसरो के बारे में पढ़ते हैं, एग्जाम में आता है इसरो, इंडियन रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये इसके जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में कर्नाटका में, और जो पहले जो इसका नाम था, इसका नाम था इनकोस पर, फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है, इसका ध्यान रखना, ठीक है, इसका नाम पहले क्या था, इनकोस पर था, विच वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू, तो अवर प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी 1962। तो इसरो का पहला नाम क्या था पूछा जा सकता है, इसरो का नाम था इनकोस पर, क्लियर, द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च, किसने इस्टेब्लिश किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, और अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, और कब किया था 1962 में, तो 1962 में स्टार्ट हो गया था ये प्रोग्राम स्पेस का, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया था इसरो, ठीक है, हाँ इन नाइन फिर इसका नाम क्या कर दिया था 1969 में इसरो कर दिया था। इन 1972 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप द स्पेस कमीशन एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस, तो क्वेश्चन का ठीक है पूछा जा सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कब इस्टेब्लिश किया था, 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसरो बिल्ट इंडियाज फर्स्ट सेटेलाइट आर्यभट्ट, ठीक है, इंडिया का जो इसरो का जो फर्स्ट सेटेलाइट कौन सा था, आर्यभट्ट था, क्लियर, और विच वॉज लॉन्च बाय द सोवियत यूनियन, जो पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, ध्यान रखना कन्फ्यूजन के लिए दे देते हैं, जो आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट था इंडिया का वो किसने लॉन्च किया था, इंडिया ने नहीं किया था, वो क्या था सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था, कब किया था 1975 में लॉन्च किया था, क्लियर। फिर 1980 में क्या गया, रोहिणी विकम द फर्स्ट सैटेलाइट, तो इंडिया का जो पहला सैटेलाइट था वो कौन सा था, फर्स्ट सैटेलाइट रोहिणी सैटेलाइट, विच इज प्लेस्ड इन द ऑर्बिट बाय द इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल, जो इंडियन मेड व्हीकल ने जो लॉन्च किया था पहले सैटेलाइट वो क्या था, रोहिणी ने किया था SLV-3, और इसके फिलहाल में चेयरमैन कौन है, के सिवान, ये इसके चेयरमैन है, क्लियर। तो चलिए दोस्तों ये आज का ये सीरीज यही खत्म करते हैं, तो बताइए कैसा लगा ये आपको ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक।